हेलो फ्रेंड्स, आज सैटरडे, मार्केट क्लोज। तो हम जनरली चर्चा करते हैं कि भाई वॉल्यूम को देख के कैसे ट्रेड करना है। तो वॉल्यूम जनरली आपको चार्ट पे अवेलेबल मिल जाता है, फ्यूचर के चार्ट पर। लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि वॉल्यूम देखकर हम डिसीजन कैसे लें। जैसे कि शुक्रवार को बैंक निफ्टी का प्राइस देखो, रेड में बंद है लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो ग्रीन है, यानी कि मंडे के लिए कंफ्यूजिंग पैदा हो गई। मतलब अगर वॉल्यूम ग्रीन है तो भैया प्राइस भी ग्रीन उनमें क्लोज होना चाहिए, लेकिन प्राइस रेड में क्लोज है। ठीक है, उतनी बुरी तरह नहीं गिरा है, कुछ 20-25-30 पॉइंट जो उसके लिए कुछ नहीं है, यानी कि फ्लैट है, लेकिन वॉल्यूम ग्रीन पिलर में लास्ट 2 दिन से आपको दिख रहा है। तो भाई अवॉइड करना है ट्रेड ट्रेड नेक्स्ट डे के लिए। यार ये मैं देख किस पे रहा हूँ बता, टाइम फ्रेम 1 डे का। मैंने आपको बोला है कि जो इवनिंग स्टडी होती है आफ्टर क्लोजिंग, आप जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद की स्टडी होती है वही मेन स्टडी होती है, उसी स्टडी के को बेस बना के हम ट्रेड करते हैं, ना कि मार्केट खुली और हमने ट्रेड लेना शुरू कर दिया कि हाँ अब यहाँ से बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। लेकिन आज के स्टडी में एक चीज़ हमने पाई कि भाई वॉल्यूम ग्रीन है, प्राइस रेड है, कि तो सोमवार को अलर्ट रहना है, हमें ट्रेड नहीं करना चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। देखेंगे जब प्राइस ग्रीन में होगा क्लोज और वॉल्यूम का पिलर भी ग्रीन होगा तो नेक्स्ट डे के लिए हम कंफर्म हो जाएंगे कि हम प्रॉपर हेजिंग के साथ ट्रेड कर लें। हेजिंग बोले तो वही एक लास्ट वीडियो में बताया था कि हेजिंग कैसे करना है, एक फ्यूचर के साथ एक ऑप्शन, फ्यूचर में बाय करना है, फ्यूचर में तेज़ी करनी है, और एक पुट ऑप्शन लेके हम हेजिंग करके ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में या निफ्टी में भी सेम। लेकिन हमने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम हमें मना कर रहा है, भाई कंफ्यूज वाली सिचुएशन है, अभी आप रहन दो ट्रेड करने की। वॉल्यूम ग्रीन दिखा रहा है, पूरे दिन भर खरीदारी का जो खंभा है वो तो ग्रीन है लेकिन प्राइस रेड में बंद है, तो हमें नेक्स्ट डे जैसे कि सोमवार को ट्रेड नहीं करना। जैसे मैंने आज फ्राइडे को भी ट्रेड नहीं किया, फ्राइडे को भी मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम से सेटिस्फाई नहीं हूँ। और भी जो इंडिकेटर आप यूज़ करके लगा सकते हो डे चार्ट पे, मतलब डे चार्ट को भी अगर देखना है तो आप डे चार्ट को देखो, और डे चार्ट आपको नेक्स्ट डे की एक अच्छी फोटो दिखाता है। मैं फोकस जो वॉल्यूम पे ज़्यादा करता हूँ, आप हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस RSI इंडिकेटर पे ज़्यादा है, तो उसमें आप भी देखो डे में कि RSI इंडिकेटर क्या बता रहा है। क्या RSI के बारे में भी डीप स्टडी बताऊँगा आपको, मतलब कि RSI कैसे देखते हैं, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो सी बना रहा हूँ आपके लिए कि भाई वॉल्यूम कैसे देख के ट्रेड करते हैं। हमको शाम को स्टडी करनी है वॉल्यूम का पिलर, सीधी सी बात है वो पिलर ग्रीन में है, प्राइस रेड में, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ पिलर ग्रीन में है, प्राइस ग्रीन में है, तो हम ट्रेड करेंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि भैया सोमवार को मार्केट खुली हमें ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि फ्राइडे की इवनिंग जो स्टडी थी उसने मना कर दिया कि अवॉइड ट्रेडिंग, तो हम मंडे को अवॉइड करेंगे। लेकिन अचानक मंडे को हमें ऐसा लग गया भाई अब वॉल्यूम भी ग्रीन में बना है और प्राइस भी ग्रीन में बनना है, तो ट्यूसडे को हम तेज़ी कर लेंगे, तेज़ी का सौदा विद इंश्योरेंस, क्योंकि ये नहीं है कि वॉल्यूम ग्रीन में बना है, प्राइस ग्रीन में बना है और मंगलवार को बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम जनरली बियर मार्केट को सपोर्ट नहीं करते, ट्रेडिंग हमें बियर मार्केट में नहीं करनी है। मेरा ऐसा मानना है कि बियर मार्केट एक अच्छे स्टॉक के कलेक्शन के लिए हो सकता है इस्तेमाल इसका, कि कोई शेयर बहुत अच्छे प्राइस पर भी बड़े प्राइस पर चल रहा है, अगर बियर मार्केट में आप उस कंपनी के शेयर को डिलीवरी के रूप में इकट्ठा कर सको तो ये बियर मार्केट में आप ऐसा करना ही अच्छा रहता है। ये नहीं है कि अब उसमें ट्रेडिंग बैठ आ गया भाई आज बियर है तो आज मैं मार्केट में मंदी कर दूंगा, शॉर्ट कर दूंगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, और आप करते हो तो आप करो, क्योंकि जनरली क्या है कि बियर मार्केट को जब जब आप स्पेशल अगर फ्यूचर में काम कर रहे हो तो आप ये समझना आपका फ्यूचर कभी भी रिस्क में फंस सकता है। बुल का है कि कुछ 6 महीने आप अपना 1 महीना 2 महीना होल्ड कर रहे हो अपना, और उसको इंश्योरेंस कर रखा है तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि भाई देखो वो अपर प्राइस आपको मिल जाएगा लेकिन लोअर प्राइस, अब जिसने 7,500 पे निफ्टी शॉर्ट करी हो, अब क्या वो सोच सकता है कि 7,500 पे निफ्टी जाएगी और मैं माल काटूंगा? नहीं। हाँ ये है कि जिसने फ्यूचर खरीद रखा है
20,000 के आसपास, तो हाँ ये सोच सकता है कि चलो कितना भी गिर जाएगा, कितनी भी आंधी तूफान आ जाएगी, इंश्योरेंस ही है, मैं फ्यूचर को कैरी फॉरवर्ड करके रख सकता हूँ। इसलिए मैं बियर मार्केट में ट्रेड नहीं करता, ना ही सजेस्ट करता हूँ कि बियर मार्केट में ट्रेड करो। बियर मार्केट का इस्तेमाल अच्छे फंडामेंटल, जिनके प्रोडक्टों की डिमांड है, डिमांड को देखना बहुत ज़रूरी है, वैसे शेयर आप कलेक्ट करते रहो अपनी बकेट में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट अभी शो कर हो जाएगा आपके सामने, कि देखना कि बैंक निफ्टी का प्राइस तो नीचे है और वॉल्यूम का जो पिलर है वो ग्रीन है, तो मंडे के लिए साफ मना है कि मंडे का हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? तो वो दोनों कंफ्यूजिंग है ना, भाई पिलर जो वॉल्यूम है वो ग्रीन है, प्राइस वो रेड में है, ठीक है? वॉल्यूम लगभग लगभग समझ में आ रहा होगा आपको, और कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन हो तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख दो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, यूनिक वीडियो आपको मिलती रहेगी, और इजी पैसा कमाते रहो। इजी तो खैर कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस ही आपको पैसा देगी, मैं कितना ही समझा दूँ और उससे पैसा नहीं आना, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू।